केजरीवाल ની વીજળી ગેરંટી દર મહિને દરેક ઘરને તો નાના ભાઈ તું આગે બડો હમ તુમારે સાથ લે એક મોકો આપને જો ગુજરાત ને એક મોકો આપને પછી જો ગુજરાત ને નાના ભાઈ તું આગે બડો હમ તુમારે સાથ લે નાના ભાઈ તું આગે બડો હમ તુમારે સાથ લે ભારત માતા કે જય हमारे साथ उतना विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बहन रावत पाटिल जी हैं। आइए जानते हैं आम आदमी पार्टी गुजरात में पहली बार चुनाव लड़ने आई है, इनके प्रमुख मुद्दे क्या हैं, यहाँ की स्थानीय समस्याएं क्या हैं और इनके वो कौन से काम होंगे जिससे इस विधानसभा का विकास हो सके। बहन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और सभी दर्शक मित्र का नमस्कार। यहाँ की मेन समस्या और हमारा जो एजेंडा है, हमारा मकसद है शिक्षा और आरोग्य, मुफ्त बिजली जो सस्ती दाम में हम देने वाले, जो हमने पहले से अनाउंस किया है पंजाब में और दिल्ली में हम दे चुके हैं, जो हमारे पास में उनका पूरा वाक्य में वहाँ दे चुके हैं। यहाँ की मेन समस्या है पॉल्यूशन, यहाँ की मेन समस्या है इनलीगल कंस्ट्रक्शन। यहाँ की समस्याओं में से बड़ी समस्या है, यहाँ पर कोई भी सरकारी बड़ा अस्पताल इस विस्तार में नहीं है और नहीं तो बड़ा कॉलेज है। भाजपा और मोदी जी खासतौर पर गुजरात मॉडल की बात करते हैं पूरे देश में, वहीं केजरीवाल जी पंजाब के चुनाव में भी उन्होंने दिल्ली मॉडल पेश किया, जिसमें शिक्षा जो दिल्ली के स्कूलों में है, सरकारी स्कूलों में, स्वास्थ्य की बात कही। तो गुजरात में आप क्या देखते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार अगर बनेगी तो गुजरात के विकास में आप क्या करेंगे ऐसा जिससे कि लगे कि हाँ दिल्ली मॉडल गुजरात में भी? देखिए, पहले आपने बात की मॉडल की, विकास के मॉडल। कोरोना काल के अंदर सूरत की सिविल अस्पताल को ताला मारा गया था, शायद आपको पता होगा, एक बड़ी खबर चली कि सूरत की सिविल अस्पताल में ताला मारा गया कि सूरत से जो सटा इलाका है धर्मपुर, वड़साल, कपराड़ा, व्यारा या नवापुर, वहाँ से काफ़ी मरीज यहाँ पे आए, उनको यहाँ एडमिट करना पड़ा, लेकिन वहाँ बेड ना होने की वजह से उनको ताला मारना पड़ा। तो अगर ताला मारने की नौबत तब आई जब यहाँ उनके वहाँ पे अस्पताल नहीं था। 27 साल से भाजपा यहाँ पे सरकार में है, उसके पहले कांग्रेस थी। वलसाड़, धर्मपुर, व्यारा, ये सब चीज़ों यहाँ जगह पे अगर उन्हें अस्पताल बनाए होते तो वहाँ के मरीज यहाँ पे नहीं आते। यानी उन्होंने साबित कर दिया कि उन्होंने खोखला विकास किया है, विकास में कोई दम नहीं है। रही बात शिक्षा की, तो नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ पे मुख्यमंत्री थे वो हर साल प्रवेश उत्सव मनाते थे और गुजरात सरकार एक मासिक निकालता है जो गुजरात सरकार का ऑथेंटिक मासिक पत्र है, क्योंकि मैं एक पत्रकार रह चुका हूँ, उसका मुझे संज्ञान है और मैं उस दावे से कहता हूँ कि मोदी जी हर बार जब प्रवेश उत्सव में जाते थे तो उन्होंने डेड़ियापाड़ा, कपराड़ा से सब आदिवासी विस्तार से लेके सभी विस्तार में घूमते थे और वहीं पे कन्या केड़े में जो स्कूल उन्होंने बताई है, स्कूल टूटी फूटी स्कूल रहती थी, उस पर कोई व्यवस्था रहती नहीं थी। पूरा तो वही दे रहे कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने जब कॉपी किया उनको लगा कि मैं फंस चुका हूँ, केजरीवाल के चक्कर में फंस चुका हूँ, उनका जो वायदे है जो उन्होंने काम कर रहे हैं 7 साल में वो फंस चुका हूँ। तो उन्होंने अभी गांधीनगर में कुछ दिन पहले डॉम के अंदर डुप्लीकेट स्कूल बनाई, वहाँ बच्चों के साथ बैठे और शाम को अपने डॉम खोलना पड़ा। अगर अच्छा काम किया तो डॉम खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है ना भाई साहब। खोखले वायदे नहीं, हम जो कर रहे हैं ना ग्राउंड लेवल से कर रहे हैं। आप रिपोर्टर हो, आप ग्राउंड लेवल पे जा रहे हो, यही चीज होती है ग्राउंड लेवल और हवा में बात करना, ये दोनों का फर्क यही है। अच्छा, कांग्रेस का एक आरोप है कि आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है और खाली वो वोट काटने के लिए आई है, इस पर आपका क्या कहना है? हंसू आता है मुझे इस पे। अगर आपने देखा होगा लगातार 1.5-2 साल से गुजरात के अंदर कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है, भाजपा को डिफेंस कर रहा है, भाजपा की पोल जो खोल रहा है वो आम आदमी पार्टी कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही है। कांग्रेस के आदमी जीतते भाजपा उनको खरीद लेती है, वो भाजपा में चले जाते हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है ललित भाई कुछ नाम है उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है, स्टेज से, भाजपा के स्टेज से बोला है
आपको कांग्रेस को वोट नहीं देना तो भाजपा को दे देना, ये उनका स्टेटमेंट है। अगर वो भाई भाई है, उनके बिली भगत है, तो ही तो बोल रहे हैं ना। हमने तो नहीं कहा कि आप उनको वोट दे दीजिए, हम तो ये चाहते हैं कि भाई हमने काम किया, हम काम करेंगे, हम दिल्ली और पंजाब में दे चुके हैं, उस बूथ पे उस चीज़ पे हम मत मांग रहे हैं। यहाँ पे हम हवाएं बात नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने बताया कि हम सशक्त तरीके से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, हम ना वोट काटने आए हैं ना कोई राजनीति करने आए हैं, हमारा मानना यह है कि हम विकास की राजनीति करेंगे, ऐसा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का कहना है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है तो गुजरात के विकास में क्या दिल्ली मॉडल पंजाब मॉडल कितना सफल हो पाएगा। कैमरामैन सुंदर के साथ करमवीर त्रिपाठी, SNI न्यूज़।